मोटो रेजर 5G मोटो का नेक्स्ट जनरेशन फोल्डेबल स्मार्टफोन कल यूरोप मार्केट में लॉन्च हो चुका है, जो कि बहुत ही जल्द आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा। तो इस बार मोटो के इस फोल्डेबल स्मार्टफोन में क्या कुछ इंप्रूवमेंट, क्या कुछ नया देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। बट उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लेना जो कि बिल्कुल फ्री है। तो हे दोस्तों, मेरा नाम है गुरमीत, यू आर वॉचिंग टेक एडवाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। मोटो रेजर 5G ये स्मार्टफोन यूरोप मार्केट में लगभग $1400 के आसपास लॉन्च हुआ है, यानी कि अराउंड 1,02,000 समथिंग। तो क्या ये प्राइस इस स्मार्टफोन को जस्टिफाई करता है या फिर नहीं, ये जानने के लिए हमें पता करना होगा कि इस स्मार्टफोन में क्या कुछ देखने को मिलता है। तो शुरुआत करते हैं डिजाइन से। तो इस बार के डिजाइन में आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बट हाँ, यहाँ पे स्मार्टफोन को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करी गई है। यहाँ पे आपको फ्रंट साइड पे एक 6.2 इंच की OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जहां पे इस बार आपको थोड़ी सी कम बेजल्स देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। और यहां पे आपको एक 2.7 इंच की सेकेंडरी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। अगेन ये भी एक OLED पैनल है, जब आप स्मार्टफोन को फ्लिप करेंगे तो आपको एक छोटी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो प्रीवियस मोटो रेजर में आपको 1,00,000 में स्नैपड्रैगन 710 देखने को मिल रहा था, जो कि अब अपग्रेड होकर आपको स्नैपड्रैगन 765G देखने को मिलता है। बट अगेन 1,00,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये वाला प्रोसेसर काफी वीक है। यहाँ पे हमें स्नैपड्रैगन 865+ जैसा फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलना चाहिए था, क्योंकि अगर हम किसी चीज पे 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे हमें टॉप नॉच फीचर मिलने चाहिए थे। तो अगेन मोटो रेजर 5G में हमें वीक हार्डवेयर देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें 8GB तक की रैम देखने को मिलेगी, 256GB तक इंटरनल स्टोरेज। मोटो रेजर 5G में आपको 48 MP का सिंगल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जहां पे आपको सैमसंग का GM1 वाला सेंसर देखने को मिलने वाला है विद F1.7 अपर्चर, जिससे आप 4K रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS तक। और यस, यहाँ पे आपको OS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। 20 MP की यहाँ पे आपको सेल्फी भी देखने को मिलेगी। तो इस बार हमें अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, क्योंकि पिछली बार हमें 5 MP की सेल्फी थी, इस बार 20 MP की है। वहां पे 13 MP मेन कैमरा था, इस बार हमें 48 MP मेन सेंसर देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन में आपको 2800 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। अगर आप इसको प्रीवियस वन से कंपेयर करें तो वहां पे अराउंड 2510 mAh की बैटरी थी, तो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग है, दैट इज इनफ, क्योंकि ज्यादा बड़ी बैटरी नहीं है तो काम चल जाएगा। एक कमाल की बात यह है कि बैटरी को थोड़ा सा इंप्रूव करा गया और जो इसका वेट है वो भी कम करा गया है। ये मोटो रेजर 5G आपको अराउंड 192 ग्राम का देखने को मिलता है, और अगर आप प्रीवियस वन से कंपेयर करें तो वो अराउंड 205 ग्राम का था। तो इस बार स्मार्टफोन को थोड़ा लाइट वेट बनाने की कोशिश करी गई है। यहाँ पे आपको आउटबॉक्स एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाएगा विद टाइप सी, बाकी सभी कॉमन फीचर यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। तो मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन 1,00,000 के प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं करता है। इसमें हमें काफी कमियां देखने को मिलती है, लाइक जो हार्डवेयर है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। यहाँ पे हमें स्नैपिंग प्लस वाला प्रोसेसर देखने को मिलना चाहिए था, बैटरी थोड़ी सी इंप्रूव होनी चाहिए थी, और इस प्राइस पॉइंट पे हमें कोई भी IP68 रेटिंग देखने को नहीं मिलती है। तो काफी डिसएडवांटेज है स्मार्टफोन की। तो अगर आप एक फोल्डेबल स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको सैमसंग का रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वहां पे हमें अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू दिस स्मार्टफोन। बाकी देखना होगा कि ये स्मार्टफोन इंडिया में किस प्राइसिंग पे लॉन्च होता है। अगर 1,00,000 से कम होता है तो देखते हैं, अदरवाइज तो हमारे पास सैमसंग जैसे अच्छे फोल्डेबल स्मार्टफोन है जिसमें हमें स्नैपड्रैगन जैसे प्रोसेसर भी देखने को मिलते हैं। बाकी आप सबके क्या ओपिनियन है मोटो के इस फोल्डेबल स्मार्टफोन को लेकर, और आपको क्या लगता है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में किस प्राइसिंग पे लॉन्च होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लविंग टेक एडवाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।